हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी नंबर वन पे। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है कि एक टाली में 2000 ईंट है आते हैं। कितना आते हैं? 2000 ईंट आते हैं, तो 15,000 रुपये लगते हैं। 2000 ईंट का दाम कितना लगते हैं? 15,000 रुपये। तो एक ईंट का दाम निकालेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो पे बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि 2000 ईंट, ठीक है, 2000 ईंट का मूल्य कितना दिया हुआ है? 2000 ईंट का मूल्य कितना दिया हुआ है आपका? दाम लिख देंगे 15,000। कितना रुपया? 15,000। ठीक है, जब इतना कर लेंगे तो इतना 1000 का मूल्य इतना रुपया, तो एक ईंट का मूल निकाल लेंगे। तो एक ईंट का मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें और इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। ईंट बराबर एक ईंट का दाम, ठीक है, एक ईंट का दाम निकाल लेंगे कि 15,000। एक इसमें सुनने नहीं होगा, एगो इसमें क्या होगा? 15,000 बटा 2,000, ठीक है। दो जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो कटेगा, 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। अब कर लेंगे 15 बटे, कितना हो जाएगा आपका? 2। अब भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2 सती 14, उसके बाद बचा 1 दशमलव, हो जाएगा 5, हो जाएगा 2 7.5, मतलब 2 5 10, है ना। तो एक ईंट का दाम कितना निकल गया? एक ईंट का दाम निकल गया आपका 7.5 रुपया। इतना आपका एक ईंट का दाम निकल गया। तो देखिए दोस्तों, उसी तरह से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समझते रहिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? 100 ईंट, 100 ईंट का दाम 420 रुपया है, तो 45 ईंट का दाम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 100 ईंट लिख देंगे, 100 ईंट, 100 ईंट का दाम कितना रुपया? 420 रुपया, 420 रुपया, ठीक है। तो 420 रुपया हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे तो एक ईंट का दाम निकालेंगे, तो एक ईंट का दाम निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो एक ईंट का दाम निकालने के लिए 420 बटा में हो जाएगा कितना? 100। बटा में कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। तो एक ईंट का दाम निकल गया। अब हम एक जीरो काट दिए, कट गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे? एक ईंट का दाम, तो एक ईंट का दाम मेरा आ गया कितना, देख लीजिए, 42 बटे 10, 42 बटे 10। इसको भी हम काट देंगे तो कितना होगा? 4.20 है ना, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 4.2 हो जाएगा, ठीक है, 4.2, ठीक है। तो अब निकालेंगे 45 ईंट, एक ईंट का दाम आ गया, तो 45 ईंट का दाम निकाल लेंगे। तो 45 ईंट का दाम निकाल लेंगे, 4.2 गुना 45 कर लेंगे, ठीक है। तो 4.2 गुना 45 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो गुना कर लेते हैं फटाफट, यहाँ आपको हम करके दिखा देते हैं कि 45 × 4.2, ठीक है। तब गुना करेंगे तो गुना करके आपको हम दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 × 10 का 0, ऐसे कर लेते हैं, 45 × 90, 90 के 0 बाकी 9, और 45 × 4 180 और 9 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 80 और 9, तो 189, ठीक है। तो एक अंक के बाद दशमलव, 0 आपका खत्म हो जाएगा। तो 45 ईंट का दाम कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 ईंट का दाम हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 189 रुपया, 189 रुपया, ठीक है दोस्तों।
तो इसी तरह का आप मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको यह मालूम चलेगा कि आप क्या जान रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करें और शेयर जरूर करें, शेयर करना मत भूलिए।